जय हिंद दोस्तों, हिनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। और आज मैं जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरे पास कमेंट आते हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके मैं आज जवाब दूंगा। और ये आज पहला एपिसोड है, इसी तरीके के एपिसोड्स आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला, जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास, उनका सिलसिला शुरू करते हैं। तो जो पहला कमेंट आया है, क्वेश्चन है मेरे पास, वो है तन्मय वैद्य जी का कि R59 और फाइटोलक का बेरी की टैबलेट्स एक साथ ले सकते हैं क्या? देखिए ये दोनों वेट लॉस के लिए टैबलेट्स और ये ड्रॉप्स हैं, तो आप एक साथ तो ले सकते हैं इनको, लेकिन आपको दोनों जब लें तो फ़र्क रखना होगा एक से आधे से एक घंटे का, दोनों में फ़र्क रखना होगा। और वेट लॉस के लिए आपको डाइट का ध्यान देना होगा, साथ में एक्सरसाइज का भी बहुत ज़रूरी ध्यान देना होगा, तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। अगला क्वेश्चन है, सर मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं, चांद दिखाई दे रही है, मैं क्या यूज़ करूं? देखिए आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप SBL स्कैल्पटॉन टैबलेट्स दिन में 3 बार लीजिए, उसमें टैबलेट्स आती हैं, 4-4 गोली उसके दिन में 3 बार लें। और SBL जेबरेंडी हेयर ऑयल को अपने बालों में उसकी रोज़ मसाज करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है मैरी श्रीनू का कि वॉट इज़ बेस्ट फेयर एंड सन प्रोटेक्शन क्रीम? देखिए फेयरनेस क्रीम जो बेस्ट मेरे हिसाब से है होम्योपैथी में, वो ग्लो केयर कॉम्प्लेक्शन क्रीम आती है, वो बहुत ही अच्छी है। और सन प्रोटेक्शन के क्रीम के लिए विच हेजल क्रीम बहुत ही अच्छा वर्क करती है सन प्रोटेक्शन में, तो आप वो ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है भावेश परमर का कि फेरमफोस टैबलेट खाना खाने से पहले लें या बाद में? देखिए आप खाना खाने से पहले लें तो बेहतर है, खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, आधे घंटे का फ़र्क होना चाहिए। इस तरीके के कमेंट बहुत आते हैं मेरे पास कि सर दवा को कब लेना है, तो होम्योपैथिक दवा में यही ध्यान रखना है आपको कि आधे घंटे का सिर्फ आपको फ़र्क रखना है जब भी कोई आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। अगला कमेंट आया है दानिश जमन जी का कि सर रिंग वॉर्म के लिए कोई अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए। तो दानिश जमन जी, आप सबसे पहली मेडिसिन जो है रिंगवॉर्म के लिए वो है सल्फर 30, आपको 2 बूंद सुबह में देनी है मॉर्निंग में रिंगवॉर्म के लिए, यानी कि जब दांत प्रेजेंट होते हैं। साथ में आपको आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद देनी है सुबह दोपहर शाम, रस्टॉक्स 30 की 2 बूंद देनी है सुबह दोपहर शाम, और टेल्यूरियम 30 देनी है आपको सुबह दोपहर और शाम में 2-2 बूंदें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में आपको बायो कॉम्बिनेशन 20 जो स्किन डिजीजेस के लिए बनाई गई है, त्वचा रोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है, उसकी 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम में देनी है, तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। और साथ में आपको डर्मेक्स ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है, देखिए इस तरीके का ऑइंटमेंट है, डर्मेक्स क्रीम आती है ये, आपको इसको दिन में 2-3 बार अप्लाई करना है, तो आपकी कंप्लेंट जल्द ही, आपकी जो कंप्लेंट है वो दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अंकिता सिंह का, सर थूजा मोल्स रिमूवल में काम करेगी या नहीं? देखिए थूजा बहुत ही अच्छा वर्क करती है, आप मोल्स रिमूवल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मोल्स हो गए, आपके जो वार्ट्स हो गए, मस्से हो गए, स्किन कंप्लेंट्स हो गई, ब्राउनिश हो जाती है स्किन पे स्पॉट्स, तो उसमें थूजा का ऑइंटमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है शैलेंद्र मिश्रा का कि बायो कॉम्बिनेशन 28 चूज़ के लेना है या फिर पानी के साथ? देखिए जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जितनी भी टैबलेट्स आती हैं होम्योपैथी में, वो चूज़ कर ही ली जाती हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको पानी के साथ दे सकते हैं, वरना तो ऐसे ही मुंह में जाकर आपके घुल जाती हैं, ऐसे ही आपको चूज़ कर इनको लेना है। अगला क्वेश्चन है राजनंदिनी महापात्रा का, आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर फॉल, हेयर बिकम सेटी ड्राई ब्रिटल एंड माई हेड फील्स हीट। तो देखिए आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आप स्कैल्पटॉन टैबलेट्स 4 गोली दोपहर सुबह दोपहर शाम ने, जैसा मैंने अभी बताया था, इस तरीके का कमेंट एक और आया था अभी, और आप साथ में SBL जेबरेंडी हेयर ऑयल की मालिश करें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। अगला क्वेश्चन है शिवम चौरसिया जी का कि राइट हाइट टैबलेट्स कितने टाइम तक लेनी है और कब लेनी है? देखिए राइट हाइट टैबलेट्स हाइट इंक्रीज करने के लिए आती हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने तो इसको लेना ही होगा, 6 महीने में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। और कब लेनी है? आपको सुबह दोपहर शाम इसकी 2-4 टैबलेट आपको इसकी लेनी है, मुंह में जाते ही आपके ये घुल जाएंगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव है हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास जिनके मैंने रिप्लाई किए हैं, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोडक्ट हेल्थ
रिलेटेड जानकारी मैं बताता रहता हूँ। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।